Hello guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So अभी पूरा festivities चल रही है और साथ ही साथ cricket चल रहा है, तो I was getting enough time to watch cricket. ठीक है, so as I've already told you, मेरे को cricket बहुत पसंद है. तो अभी IPL चल रहा था और फिर कुछ दिनों में T20 World Cup start होने वाला है, तो I was into this frame of mind कि यार cricket देखना है, cricket enjoy करना है. और फिर मुझे कुछ आइडियाज आने लगे प्रोजेक्ट्स के, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया अभी इसके ऊपर जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया, जहाँ पे हम विन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहे थे. उसके बाद मुझे एक और आइडिया आया कि व्हाट इफ हम स्कोर प्रिडिक्शन करें. मतलब अगर कोई टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन हम ये प्रिडिक्ट करें कि उस टीम का स्कोर आफ्टर 20 ओवर्स कितना होगा. ठीक है, सो ये भी हमने एक प्रोजेक्ट अभी बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा. और अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जैसा मैंने लास्ट डेमो वीडियो में पूछा था, और आपको बताना होगा कि आप क्या क्या फीचर्स ऐड करोगे इस मॉडल को अच्छा बनाने के लिए. ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जहां पर हम डिपेंडिंग ऑन मैच सिचुएशन फर्स्ट इनिंग्स में कोई टीम कितना रन बनाएगी ये प्रिडिक्शन करने वाले हैं. और मैंने एक वेबसाइट बनाया, उसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज द वेबसाइट बाय द वे, ये वेबसाइट हमने बनाया है और इतना इनपुट यूजर को प्रोवाइड करना है और बेस्ड ऑन दैट इनपुट आपको आपका स्कोर प्रेडिक्शन मिलेगा. एक चीज जो मैं बताना भूल गया, ये जो पूरा मॉडल ट्रेन हुआ है ये IPL के डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ है. बहुत मेहनत करके मैंने एक डेटा सेट खोजा है जहां पर इंटरनेशनल T20s का डेटा है, जहाँ पे जो इंटरनेशनल टीम्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का ये डेटा है फॉर T20 मैचेस. ठीक है, तो ये जो मॉडल हमने बनाया है ये आप यूज कर सकते हो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको 3-4 मैचेस का आउटपुट दिखाता हूँ जो पास्ट में मैचेस हो चुके हैं. जैसे कि मेरे पास एक मैच है जो इस साल हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक T20 सीरीज हुई थी मार्च में. तो उसमें जो फर्स्ट T20 था उसमें इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 124 7 विकेट्स पे बनाए थे. अब मुझे ये मिला है कि इसी मैच में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो आफ्टर 5.3 ओवर्स इंडिया का स्कोर 21/3 था. ठीक है, तो हम ये मैच सिचुएशन को हमारे ऐप में डालेंगे यहाँ पर. सो ये जो मैच है ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में है, जो करंट स्कोर है वो है 21 आफ्टर 5 ओवर्स और विकेट्स जो आउट हुए हैं वो हो गए हैं 3. ठीक है, और लास्ट 5 ओवर में मान लेते हैं 21 रन्स बने हैं. ये भी इनपुट यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ कि लास्ट 5 ओवर्स में कितने रन्स बने हैं. ठीक है, और अब जब मैंने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, दिस इज द आउटपुट. अकॉर्डिंग टू करेंट मैच सिचुएशन इंडिया 126 रन बनाएगी एंड इंडिया हैज मेड 124. ठीक है, मैं आपको एक दो मैचेस का और दिखाता हूँ. जैसे ये एक मैच हुआ था अगेन इसी साल जुलाई 16 को, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास ओवर बाय ओवर डेटा है. मैं आपको 10 ओवर्स के मार्क्स पे प्रिडिक्शन करके दिखाता हूँ. सो 10 ओवर के एंड में 119 पे 2 स्कोर था. सो विल सेलेक्ट वेस्ट इंडीज एज बैटिंग टीम, ऑस्ट्रेलिया एज बॉलिंग टीम. 119 10 ओवर्स के बाद 2 विकेट्स आउट हुए हैं. ठीक है, ऑल्सो हमें ये बताना है कि पिछले 5 ओवर्स में कितने रन्स हैं. तो 10th ओवर में 4 और 13 17 35 38 और 21 59 रन्स आए हैं. 1 2 3 4 5 59 रन्स आए हैं लास्ट 5 ओवर्स में. और प्रेडिक्ट पे क्लिक किया एंड यू कैन सी द प्रेडिक्शन इज कि 200 रन्स बनेंगे. और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इट इज़ 199/8. ठीक है, ऑल्सो वी हैव वन मोर मैच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. इसमें इंडिया ने 164/5 बनाए हैं. 10 ओवर के मार्क्स पर अगर हम जाएँ तो 78/2 है. इंडिया वर्सेस श्रीलंका द स्कोर इज 78/2 और लास्ट 5 ओवर्स में इंडिया ने बनाए हैं 8, 19, 23, 27 और 16. 43 रन्स. सो अगर हम यहाँ पे डाले 43,
168 का आउटपुट है और इंडिया ने बनाए थे 164. ठीक है, वन लास्ट मैच, दिस इज अगेन अप्रैल में एक मैच हुआ था इस साल, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, और 10 ओवर के एंड में जो स्कोर था वो पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका का स्कोर था 102/3. सो अच्छा, यहाँ पे मैंने साउथ अफ्रीका रख डाल दिया, शुड बी श्रीलंका, 171 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे रन्स बने हैं 164. तो ये थोड़ा सा ऑफ है यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन, बट अगेन बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं है. ठीक है, लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और मैच सिचुएशन आफ्टर 10 ओवर्स इज 98/2. लास्ट 5 ओवर में 13 और 18, 31, 43, 49 एंड 11, 60. अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हो. लेट्स सी, 180 का प्रेडिक्शन बता रहा है और इन्होंने बनाए हैं 188. सो अगेन थोड़ा सा ऑफ है, बट बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं है. सो या मतलब अभी जो फीचर्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें, आई वॉज एबल टू अचीव R2 स्कोर ऑफ 0.92, और जो मेरा मीन एब्सोल्यूट जो एरर आ रहा था दैट वॉज अराउंड 4 point something, मतलब 4 रन्स प्लस माइनस में गड़बड़ हो रहा था. कुछ मैचेस में थोड़ा हट रहा है, बट अगेन ऐसा कुछ वियर्ड प्रिडिक्शन नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, ऑल्सो अगर आप टीम्स वगैरह चेंज करोगे तो सारी चीज़ों का फैक्टर समझ में आता है. जैसे इंडिया को अगर आप रखोगे तो इंडिया की वजह से लाइक इंडिया का बॉलिंग और ज़्यादा मार खाता है, शायद इसलिए ऐसा है. लेट्स से हम इंग्लैंड रखते हैं, इंग्लैंड और ज़्यादा है. कौन सी टीम अच्छी है, न्यूजीलैंड शायद अच्छी बॉलिंग करती है, सभी के साथ ऐसा ही है. आई गेस साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है, या श्रीलंका के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट या मतलब ये ठीक ठाक प्रिडिक्ट कर रहा है. अब अगेन आप वीडियो अगर देख रहे हो और आपको एक्साइटिंग लग रहा है तो आप कुछ सजेशंस दो कि और क्या इनपुट कॉलम्स लिए जा सकते हैं. और बाकी व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट दिस वीडियो एंड आई विल एडिट इट and I'll share it within 48 hours. ठीक है, this is just a demo video. So मुझे आपको ये demo दिखाना था और आपसे कुछ feedback लेना था. So I hope आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, so yeah, that's it from my side. Thanks for watching. Bye.